तो आज हम लोग न्यू वीडियो आज बना रहे हैं के EDD का, मतलब बिटकॉइन का। आज ये न्यू वीडियो हम डाल रहे हैं, न्यू चैप्टर का टाइप ऑफ वायरिंग। टाइप ऑफ वायरिंग मतलब कितने टाइप से हम वायरिंग कर सकते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि टाइप ऑफ वायरिंग का मतलब क्या होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि घरों में सिर्फ एक ही टाइप की वायरिंग होती है, देखते हो पाइप के रास्ते भी होता है, ठीक है। शादियों में किसी और तरीके से होता है, शादियों में क्या होता है वायरिंग की जाती है, शाम को वायरिंग की जाती है। जैसे मान लो आज शादी है तो शाम को वायरिंग की जाती है, सुबह को वायरिंग निकाल दी जाती है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो घर में वायरिंग किए हो वही वायरिंग वहां कर दी, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो मान लो घर में जो हम करते हैं कुछ दिन के लिए करते हैं, वहां अंगूर दिन के लिए करते हैं, तो क्या ये वाला वायरिंग वहां कर सकते हैं। तो वायर तो भाई या कंडक्टर तो भाई या सब कुछ सेम रहता है, लेकिन मैं वहां पे ऐसा नहीं कर सकते, उसके उसके लिए वायर सब काम तो सेम ही करना है। पर उसमें क्या होता है, हम ऐसा कुछ टेक्निक लगाते हैं जिससे कि वो एक ही दिन के लिए, दूसरे दिन जब हम निकालें उसको तो ज्यादा हमारा नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि हम, ऐसा नहीं है कि हम जो घर में वायरिंग कर रहे हैं उसको नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पीवीसी का प्रयोग वहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है ना, दिक्कत यह है कि जब वहां तुम वायरिंग कर दोगे और फिर तुरंत निकालोगे तो सब क्या पाइप टूट जाए, कुछ उखाड़ने जोड़ने में कुछ दिक्कतें हो जाए तो नुकसान हो जाए। तो हमको उस चीज से बचना है, टाइम ज्यादा लगे या टाइम निकालने में ज्यादा लगे, टाइम वायरिंग करने में ज्यादा लगे, तो ये सब चीजों से दूर होने के लिए हमने कई प्रकार की वायरिंग की है। कई प्रकार का हमारा वायरिंग है जिसको हम समझेंगे के करके कि कौन सी वायरिंग कितने टाइप का होता है। पहले समझेंगे कितने टाइप का होता है, फिर समझेंगे कि कौन सा वायरिंग किसके लिए यूज होता है, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करें। तो हम इसमें शेयर करते हैं और उसके बाद आपको ये टाइप ऑफ वायरिंग पढ़ाते हैं। ये रहा वायर टाइप ऑफ वायरिंग। सबसे पहले परिचय तो बहुत बार बता चुके हैं। तो बेसिकली फाइव टाइप की वायरिंग होती है। टाइप ऑफ वायरिंग कितना होता है, बेसिकली पांच प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, किट वायरिंग। दूसरा क्या है, लकड़ी की केसिंग केपिंग वायरिंग। और तीसरा क्या है, पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। और हार्ड रबर सिथिड वायरिंग। और क्या, सहज सिथिड एंड मेटल सिथिड वायरिंग। अब आता है क्लिट वायरिंग। अब बात करते हैं क्लिट वायरिंग। अब देखो सबसे पहले हम क्या है कि इसको बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाना कोई दिक्कत नहीं था, बोर्ड पे पढ़ाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। पर हम बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये फिगर बनाएंगे जब तक तब तक बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। तो हम टाइम को बचाने की वजह से क्या कर रहे हैं इसी पर तुमको बता दे रहे हैं। अगर हम इसको बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो टाइम लॉस ज्यादा होगा। मान लो इसको बनाएंगे, इसको बनाने में तो टाइम तो लगेगा ही ना, जब इसको बनाने में टाइम लगा देंगे तो फिर टाइम नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा। तो हम उस टाइम को बचाने के लिए, उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए पीडीएफ फॉर्म में तुमको बता दे रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे टाइप ऑफ वायरिंग में सबसे पहले कोई पूछा कि बताओ कितने प्रकार की वायरिंग होती है, तो क्या कहोगे, पांच प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक होती है, लकड़ी की केसिंग की होती है, पीवीसी की केसिंग की होती है, हार्ड रबर होता है, वायरिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, लैड सिथिड वायर या मेटल सिथिड वायरिंग होता है। तो पांच प्रकार की वायरिंग होती है। अब क्या है, कोई पूछे अच्छा होता है क्रिट वायरिंग कहाँ लगाते हैं, तो बस यही चीजें जानना है। क्रिट वायरिंग जैसे ही पढ़े तुम समझ जाओगे कि आखिर करना क्या है। अब देखो क्या है, इस प्रकार की वायरिंग अस्थायी, देखो टेम्पोररी क्या है, टेम्पोररी वायरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। बस पहला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रकार की वायरिंग यानी क्रिट टाइप की वायरिंग कहाँ यूज करते हैं, जहाँ टेम्पोररी काम है। अब देखो टेम्पोररी काम कहाँ कहाँ है, जैसे शादी है ना, शादी में जो तुम समियाना काम यूज कर रहे हो, समियाना में काम कर रहे हो, क्या वो परमानेंट लगाते हो क्या, नहीं, 4-5 दिन के लिए लगाते हो क्या, मैक्सिमम लगाते हो तो 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, लेकिन तुम 1 महीने के लिए वायरिंग नहीं करते हो, ठीक है, शादी में। तो इसी को कहते हैं टेम्पररी, मीन्स अस्थायी, जो अस्थायी न हो। घरों में क्या हो रहा है, घरों में अस्थायी किया जाता है। घरों में क्या, रोज रोज वायरिंग लगाते हो, रोज रोज वायरिंग करते हो, नहीं ऐसा नहीं करते, घरों में एक बार कर लेते हो वही चलता रहता है। तो हम क्या करते हैं, जो क्लिट वायरिंग है ये है टेम्पररी वायरिंग। और ये तो यही सबसे पहले जानना था। उसके बाद क्या जानना था, क्लिट प्रोसीजर इनके बनाए जाते हैं। अब क्लिट जो बनाए जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लिट किसके बनाए जाते हैं, पोर्सिलिन के बनाए जाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक निचला भाग एक ऊपरा भाग, और इसको उसके रूप से कट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कितना कितना इसे सुंदर दिखाया है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसीलिए पढ़ा रहे हैं और वो नहीं लिए बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो ये रहा तुम्हारा ऊपरी वाली भाग, ये वाला, ये ऊपरी वाली भाग, ये ऊपरी भाग है, ठीक है। और देखो ये रहा तुम्हारी नीचे की भाग, ये देखो ये नीचे की वाली भाग है। अब कहोगे ये तब क्या है, ये ब्लू कलर,
ये वाला जो चीज है ये कंडक्टर है, एक्चुअल एक्चुअल ये कंडक्टर है, ये वायर निकालने का रास्ता है, इधर से ही वायर इधर से वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सरफेस दिखा, ये जो दिखा रहा है ये है तुम्हारा, ये जो नीचे दिखा रहा है ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है तुम, ये जो हिस्सा तुम देख रहे हो ये दीवार वाला हिस्सा है, और ये तो जो तुम देख रहे हो ये स्क्रू वाला हिस्सा है, ये स्क्रू से क्या किया गया है, इसको कसा गया है और यहाँ पे दीवार में कस दिया है। पहले इस वाले को लगा दोगे, इस वाले को इसको कस दोगे, फिर वायर जब निकाल लोगे ऐसे ऐसे तो फिर ये ऊपर वाला जाके बीच में कस दोगे, ये वायरिंग सेट हो जाएगी ऐसे कर। पहले ऐसे दीवार लगा दिए, फिर एक वायर में देखो ये देखो एक वायर ऐसे गया, एक वायर ऐसे गया, फिर ऊपर से ये ढक्कन लगा दिए, लगाने के बाद ऊपर से ऐसे कस दिए। अब इसको ही बनावट में कई प्रकार है, देखो एक ऊपर का ढांचा है नीचे का ढांचा, तीन वायर निकालना है तो क्या किया गया, दो स्क्रू लगा, दो स्क्रू लगा, थोड़ा मजबूती रहे। अब ये स्क्रू यहाँ लगाएंगे, मान लो इधर लगाओगे तो जब थोड़ा जगह हो जाएगा तो आप फट जाएगा तो दिक्कत हो सकती है ना, लाइट मार सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो इसीलिए ऐसा कहा किया गया कि एटलीस्ट दो दो कंडक्टर के बीच में एक एक तो कम से कम पेचकस लगा दो ताकि मजबूत बना रहे। तो ये हो गया तुम्हारा तीन वायर, किसकी बने होती है, पोर्सिलिन की बने होते हैं, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, इनके बीच में स्क्रू रखकर कसे जाते हैं, गोल होता है, ये तो समझ ही गए। तो देखो क्या है कि समझना है, एक्चुअल में रटोगे तो कभी जाके फट नहीं पाओगे। इसमें देखो की पॉइंट क्या है, अच्छा कोई भी चीज समझने का इंटरसेंस क्या है, लिखा जाता है या नोट्स बनाया जाता है, तो की पॉइंट को पकड़ो। देखो एक लाइन अगर हम पूरा यहाँ से पढ़ें, इस प्रकार की वायरिंग अस्थायी वायरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। देखो ये जो इतनी लाइने हैं एक्चुअल में, इसमें एक चीज बस तुमको याद रखना है, अस्थायी वायरिंग, बस अस्थायी, यही की पॉइंट। उसके बाद तुमको हिंदी नहीं आती है, बड़े आराम से बनाओगे कि इस प्रकार की वायरिंग का या टेंट वायरिंग को हम अस्थायी, जहाँ पे अस्थायी यूज होता है वहीं पे लगाते हैं, बना दिए। वो जरूरत है नहीं, जो किताब में लैंग्वेज दिया वही तुम लिखो, जरूरी नहीं, ये तो रटने वाले करते हैं। तुमको क्या समझना था, तुमको ये समझना था कि क्रिट वायरिंग को हम वहां यूज करते हैं जहाँ अस्थायी होता है, अस्थायी जहाँ टेम्पररी लगाना रहता है, बस। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट, और दोनों पार्ट के बीच में तो स्क्रू, इसको एक स्क्रू होता है, स्क्रू लगाने के लिए गोल होता है। ये पोर्सिलिन के बने होते हैं, क्रिट वायरिंग जो होते हैं वो पोर्सिलिन के बने होते हैं। क्रिट वायरिंग का मतलब ये वायर का नाम ना, ये मत सोचना कि ये क्रिट का बना, ये बना है पोर्सिलिन का, ये जो इसका डब्बा है ये वाला, ये जो है ये पोर्सिलिन का बना, ये बस इसमें इतना ही बताना था, ठीक। अब उसके बाद तो बस बता रहा है कि नीचे बिना स्लॉट कैसे सब चीजें बता रहा है कि क्या क्या हुआ है इसमें, तुमको बस इतना ही जानना था, इससे ज्यादा नहीं जानना था कि क्रिट वायरिंग क्या है। सबसे पहले कितने प्रकार का, पांच प्रकार का है, जिसमें से पहला क्या है, क्रिट है, और क्रिट को हम कहाँ यूज करते हैं, क्रिट को टेम्पररी में यूज करते हैं, क्रिट जो बना रहता है वो किसका बना रहता है, वो बना रहता है पोर्सिलिन का, ठीक है, और ये कहाँ यूज होता है, टेम्पररी के लिए यूज होता है, ठीक है, बस इतना चीज है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो टू वे क्रिट एंड थ्री वे क्रिट, टू वे एंड थ्री वे क्रिट कह रहा है कि क्रिट दीवार पर लगाने से पहले इतना मीटर की ऊंचाई होना चाहिए, कहने का मतलब जो क्रिट जो लगा रहे हो, जो वायरिंग कर रहे हो, टाइप ऑफ वायरिंग, आप जो वायरिंग कर रहे हो दीवार पे तो नीचे करोगे, ग्राउंड में तो करोगे नहीं, तो कह रहा है कि 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, मतलब ऊंचाई जो उसको है, दूरी नहीं है वो ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई घर से कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, 5 मीटर ये मत समझना कि बीच की दूरी है, बीच की दूरी नहीं वाइट है। तो बोल रहा है कि जो क्रिट लगा रहे हो ना, क्रिट मान लो क्रिट, एक क्रिट यहाँ लगा, एक क्रिट यहाँ लगा, दो क्रिट है, तो दोनों के जो नीचे की दूरी है ना, नीचे की दूरी पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा कि इनके बीच की दूरी, वो कह रहा है कि क्रिट को जब लगाएंगे तो 1.5 मीटर ऊपर लगाएंगे, जिसमें लिखा नहीं है लेकिन ऊपर से समझ जाना है। कह रहा है कि देखो दो वे क्रिट होता है, थ्री वे क्रिट होता है, दो वे क्रिट कौन सा, ये दो वे है, देखो ये टू वे क्रिट है, ये जो संरचना है ये वाला ये टू वे है और ये वाला थ्री वे है, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लीजिए, बाकी ये चीजें तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना, एडवांटेज देख लो। इस प्रकार की वायरिंग ही सस्ती होती है, पहली बात तो सस्ती होती है। अब बताओ आगे तुम पढ़ोगे तो जब पीवीसी केसिंग के बिन पढ़ोगे तो पीवीसी केसिंग के पॉली विनाइल द्वारा जो पानी पॉली विनाइल क्लोराइड का जो हम करते हैं वायरिंग, अब वो तो महंगा होता है ना, महंगा होता है, तो उसको हम उसको घर में यूज करते हैं परमानेंट के लिए,
हमको क्या चाहिए सस्ता, एक ही दिन का काम करना है तो क्या जरूरत है ऐसा महंगा लगाने के लिए, टेम्पररी लगाओ ताकि तुरंत खत्म कर सको। तो इसीलिए वो टेम्पररी लगाया जाता है क्योंकि टेम्पररी का सबसे बड़ी बात यह है कि वो सस्ता होता है और वो टेम्पररी होता है, यानी किचन चैप निकाल सकते हैं। इस पर कार्य करने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इस पर कार्य करने के लिए बहुत कुशल मतलब बहुत चल जाएगा, कोई कर सकता है, एक बार दो बार तो देखा रहेगा, सीखा रहेगा, वही कर लेगा। इसको हटाने के बाद इसका मटेरियल दोबारा प्रयोग में आ जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये भी हो गया कि सस्ता भी है और मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं दोबारा, ठीक। अब क्या है, टेस्टिंग बदलाव और फास्ट मटेरियल दोबारा प्रयोग में आ सकता है। अब बताओ यह कम समय में लगाई जा सकती है, सबसे बड़ी बात कि खर्चा कम हो, समय कम हो, तब इससे ज्यादा तुमको कुछ चाहिए नहीं है उसका मटेरियल फिर दोबारा से यूज हो सके, अब इससे ज्यादा तुमको कुछ चाहिए ही नहीं, यही तीन चीज तो होता है। जब इस आवश्यकता जब इसकी आवश्यकता नहीं रहती है तो इससे आसानी से हटाया जा सकता है, ठीक। हानियां देखेंगे क्या क्या है, जल्दी खराब होने का डर रहता है, अरे भाई प्रीट वायरिंग है ना, टेम्परेरी है तो टेम्परेरी खराब हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई, उसको हमको कम समय के लिए चाहिए, ये जल्दी खराब रहता है, देखने में अच्छी नहीं लगती है। प्रीट वायरिंग क्या है, लकड़ी रहता है ना तो थोड़ा प्रीट जो होता है लकड़ी नहीं होता है, पोर्सलिन का बना होता है, तो तुम देखियो ये मटेरियल ऐसा नहीं है, प्रीट नहीं देखे होगी, जरूर देखेगी, ध्यान नहीं है। अब देख लो फिगर, कभी कभी कहीं गुजरना तो ऐसे मिलेगा तुमको, तो ये देखना तो समझ जाना बस पूरे एक मिनट वायरिंग। और क्या, इस वायरिंग पर मौसम का असर जल्दी होता है, ठीक है, ये भी सब है। कॉमन शॉर्ट और नमी इंसुलेशन को कमजोर कर देती है, बायस पर फिजिकल नुकसान हो सकता है, फिजिकल नुकसान भी हो सकता है। केसिंग टेपिंग वायरिंग या वुडन लकड़ी, लकड़ी का ये भी इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं, ये बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी अगर कोई वायरिंग हो रही थी तो वो लकड़ी की ही हो रही थी। देखो इसमें पहला पॉइंट लिखा भी है, यह सबसे पुरानी वायरिंग सिस्टम है, विशेष रूप से कम वोल्टेज वाली इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन के लिए यह ज्यादा प्रयोग होती है, यह वायरिंग हाउस और बंद स्थानों पर अधिकतम की जाती है। तो सबसे पहली बात की वायरिंग बहुत पहले था, आजकल कम देखने को मिल रहा है, तो स्थानों की जगह अस्थायी स्थान किया जा सकता है, ठीक है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो, बाकी चीजें हम अभी थोड़ा पढ़ाने हुए अच्छा नहीं लग रहा, तबियत ठीक नहीं लग रहा है तो इसको हम भी नहीं पढ़ाने लग रहा। इस वायरिंग के निम्नलिखित लाभ होंगे, या सिस्टम कंडक्ट की या लाइट से, ये सब पढ़ लो, देखने में अच्छी लगती है, अच्छा चलो ये एक अच्छी सी बात है। यहाँ पे देखो आग लगने का खतरा रहता है, आग लगने का खतरा रहेगा रहेगा। सबसे ज्यादा कोई चीज हम यूज करते हैं तो पीवीसी केवीसी के भी करते हैं, जिसको हम कल से बताएंगे, थोड़ा मन नहीं लगना, तो इस चीज को हम कल वीडियो में डाल देंगे, ध्यान से देख लेना तुम लोग, जल्दी नहीं बता देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय लेने का कोई मतलब नहीं है, मेन मेन चीजें हम बता दे रहे हैं, बाकी जो प्रैक्टिकल कराना है कि कैसे होगा क्या हुआ सारी चीजें वो बाद में क्लास में किया जाएगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही, ज्यादा नहीं करना, थैंक यू।